बीजेपी से आरपार के मूड में वरुण गांधी कांग्रेस में जाना तय। अपनी ही सरकार के खिलाफ वरुण गांधी के तेवर हुए तीखे। वरुण नेहरू और कांग्रेस की कर रहे तारीफ, बीजेपी की नीतियों का खुलकर विरोध। इसी साल वरुण बीजेपी छोड़ने का कर सकते हैं ऐलान। वरुण गांधी बीजेपी छोड़ेंगे ये 2 साल पहले ही तय हो गया था। वरुण को जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाला गया तो इस बात पर भी मुहर लग गई थी। न बीजेपी को अब वरुण गांधी की जरूरत है और न ही वरुण गांधी को बीजेपी की। वरुण के चलते बीजेपी गांधी परिवार पर खुलकर निशाना भी नहीं साध पाती। ऐसे में अब बीजेपी और वरुण दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं और वरुण गांधी के तेवरों ने भी ये बता दिया है कि बीजेपी से समझौते के मूड में नहीं है। आजकल वरुण गांधी के बयान राहुल गांधी से मिलते जुलते दिख रहे हैं। जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं उन्हें ही वरुण अपनी सभाओं में दोहरा रहे हैं या फिर वरुण गांधी उनकी बातों को अपने तरीके से कह रहे हैं। वरुण गांधी के सभाओं के कई वीडियो इन दिनों वायरल हो रहे हैं जिसमें वो अपनी ही पार्टी की नीतियों का विरोध करते दिख रहे हैं। वीडियो में वरुण गांधी कहते हैं कि मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूँ न पंडित नेहरू के खिलाफ हूँ। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए न कि देश को तोड़ने की। आज जो लोग धर्म और जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं उनसे सवाल रोजगार शिक्षा पर पूछें। हमें लोगों को दबाने की राजनीति नहीं बल्कि उठाने की राजनीति करनी है। वरुण ने कहा कि किसान इस समय मुश्किल में है लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कोई टीवी चैनल किसानों की परेशानी दिखाने को तैयार नहीं है। कोई अखबार किसानों की समस्या लिखने को तैयार नहीं है। बस एक एजेंडा दिखाई दे रहा है, केवल हिंदू मुस्लिम जाति पात कर रहे हैं तोते की तरह। भाई भाई को बांटो बस यही चल रहा है। लेकिन हम यह राजनीति होने नहीं देंगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि नेता वह होना चाहिए गरीब जनता को अपने कंधे पर उठाकर चले ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ, जनता के आगे सरकार भी झुकती है। वरुण अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और बीजेपी की ओर से वरुण गांधी के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में उन्हें बुलाया तक नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि सीएम योगी भी अगर पीलीभीत जाते हैं तो वरुण को उनके कार्यक्रम का न्योता नहीं दिया जाता। वरुण गांधी अपने भाषण में सीधे सीधे बीजेपी मोदी और योगी सरकार का नाम तो नहीं ले रहे हैं लेकिन जिस तरह से सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोल रहे हैं उससे उनके इरादे साफ दिखाई दे रहे हैं। वरुण गांधी की नाराजगी की कई वजहें हैं। बड़ा नाम होने और गांधी परिवार से आने के बाद भी मोदी सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। उनकी मां मेनका गांधी को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जरूर मंत्री बनाया गया था लेकिन दूसरे कार्यकाल में मेनका को भी किनारे कर दिया गया। मेनका गांधी भले ही अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर नहीं कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से वरुण गांधी अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं उससे साफ है कि वरुण को मेनका का भी साथ मिला हुआ है। वरुण के तेवरों से एक बात तो साफ हो चुकी है कि 2024 की तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है और ये भी साफ है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उससे एक बात साफ दिख रही है कि वरुण कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे वरुण गांधी की अखिलेश यादव से करीबी के चलते ये भी दावा किया जा रहा था कि वो सपा में जा सकते हैं लेकिन अब जिस तरह से वरुण कांग्रेस को लेकर नरमी दिखा रहे हैं उससे साफ है कि सपा में नहीं वो कांग्रेस में ही जाने की तैयारी में है। अखिलेश से करीबी का लाभ वरुण को लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। अखिलेश यादव ये तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे लेकिन गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ वो अपना उम्मीदवार नहीं देंगे। और संभावना इसी बात की है कि अखिलेश यादव वरुण गांधी के खिलाफ पीलीभीत से भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज़।